नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट मलाई कोफ्ता, जिसे हम पनीर और आलू से बनाएंगे। मलाई कोफ्ता दो तरह से बनता है, व्हाइट ग्रेवी के साथ और रेड ग्रेवी के साथ। आज हम इसे रेड ग्रेवी के साथ बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बनाना शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले कोफ्ते तैयार करते हैं। हमने दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। सबसे पहले आलू को फोर्क की हेल्प से मैश कर लेते हैं। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। देखिए, आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया है। हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। हमने पनीर को बड़े साइज से ग्रेट किया है। आप इसे क्रश कर भी डाल सकते हैं। हमने जो आलू लिए थे उसे उबाल कर ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। कोफ्ते बनाने के लिए गर्म गर्म बॉयल आलू का यूज ना करें, क्योंकि बॉयल आलू में मॉइस्चर ज्यादा होता है। अब इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हमें हाथों से अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। हमने बाइंडिंग के लिए इसमें 2 टेबल स्पून अरारोट डाला है। आप अरारोट यानी कॉर्न स्टार्च की जगह मैदा भी ले सकते हैं। अगर कोफ्ते के डो में मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप इसमें पोहा भी डाल सकते हैं। कोफ्ते का मिक्सचर तैयार है। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर उसे कोफ्ते का शेप दें। हमने ओवल शेप के कोफ्ते बनाए हैं, आप इसे गोल भी बना सकते हैं। आज हम पनीर के सॉफ्ट कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमने ऑयल या पानी का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने जो कोफ्ते का मिक्सचर बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर आपको मिक्सचर चिपचिपा लगे तो हाथों पर घी या पानी लगाकर आप कोफ्ते बना सकते हैं। देखिए, ऐसे ही हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। हमने ऑयल को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें कोफ्ते डालते हैं। हमें इसे मीडियम गैस पर ही फ्राई करना है। एक तरफ से सिकने के बाद कोफ्ते पलट दें। हमें इसे मीडियम गैस पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। देखिए, हमें इन कोफ्तों को तलने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। अब कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई लें, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालें और ऑयल में कुछ खड़े मसाले, जीरा, तेज पत्ता, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, दालचीनी और 4-5 काली मिर्च डालें और भून लें। मसाले भूनने के बाद इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालें। आप इसमें प्याज पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालें और भून लें। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए, प्याज भून कर हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें 1 बाउल टमाटर की प्यूरी डाल दें और अच्छी तरह भून लें। हमने इसमें 4 टमाटर की प्यूरी डाली है। हमें टमाटर ज़्यादा ही लेने हैं। टमाटर के भूनने के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें और सभी मसालों को अच्छी तरह भून लें। अब इसे लो गैस पर 5 मिनट ढककर पका लें, ताकि मसालों में से ऑयल बाहर आ जाए। 5 मिनट लो गैस पर पकाने के बाद देखिए, ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल दें और अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें और ढक कर 2-3 मिनट तक अच्छी तरह पका लें। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालें। आप इसमें क्रीम की जगह मलाई भी डाल सकते हैं। क्रीम को ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश कर डालें। कसूरी मेथी डालने के बाद अब इसको 2 मिनट के लिए ढककर पका लें। 2 मिनट खोलने के बाद देखिए, ग्रेवी तैयार है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। कुछ जरूरी टिप्स बताती हूँ। कभी भी कोफ्तों में करी ना डालें,
पहले प्लेट में कोफ्ते डालते हैं, फिर ऊपर से गर्मा गर्म ग्रेवी सर्व करते हैं। अब सर्विंग प्लेट में कोफ्ते डालें और उस पर गर्मा गर्म ग्रेवी डालें। उस पर थोड़ी सी मलाई या क्रीम से गार्निश करें। लीजिए, मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट मलाई कोफ्ता बनकर तैयार है। इसे आप रोटी नान के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। निर्मल स्मार्ट किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।